Welcome friends, welcome to the lecture series of Digital Electronics. In this session, we are going to learn about the counters. So, what do we exactly mean by counters? हम इस session के अंदर counters के बारे में बात करने वाले हैं. Counters जो है, वो generally count करने के लिए use होता है, ठीक है? उसके basic जो types है, वो भी हम आज इसके अंदर discuss करने वाले हैं, ठीक है? So the counters is nothing but the digital circuits which are used for counting the pulses. Pulse को हमें count करने के लिए generally counters की requirement रहती है, ठीक है? तो ये एक basic चीज है. दूसरी एक बात है कि this is my sequential circuit. ये जो है वो sequential circuit है, मतलब कि timing clock के अलावा हम ये जो है ये एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है? सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस काउंटर. ओके, सो देयर आर मेनली टू पार्ट्स. द फर्स्ट इज सिंक्रोनस एंड द सेकेंड इज एसिंक्रोनस. ओके, सो फर्स्ट वी विल कंसीडर द एसिंक्रोनस काउंटर एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड सिमिलरली apart from that asynchronous, we will go for the synchronous counter. हम asynchronous के साथ साथ ही synchronous counters के बारे में हम discuss करेंगे, ठीक है? So asynchronous counter क्या है? The counter which is required external clock signal. अभी आप सोचेंगे कि external clock signal तो दोनों में ही आता है, ठीक है? अदरवाइज काउंटर्स कैसे बनेंगे, अदरवाइज सिक्वेंशियल सर्किट कैसे बनेगी, ठीक है? बट देर इज अ स्मॉल थिन डिफरेंस बिटवीन दिस सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर्स. फॉर द एसिंक्रोनस काउंटर, अगर हम बात करें एसिंक्रोनस काउंटर की, तो जो आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप रहेगा हमारा, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक फ्लिप फ्लॉप है जिसे हम टी फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ठीक है? इसके लिए हमने एक क्लॉक यहाँ पे दिया है, ठीक है? बट नेक्स्ट के लिए अगर आप देखोगे द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप इज हियर टी फ्लिप फ्लॉप, तो उसके लिए हमने क्या किया है, इसका जो आउटपुट लिया है उसे हमने डायरेक्टली इसको क्लॉक के तरीके से हमने फेड किया हुआ है, मतलब कि हम क्लॉक के रूप में उसको दे रहे हैं, ठीक है? तो क्लॉक समझ के हम उसको दे रहे हैं, तो अभी क्या हो जाएगा कि इसका जो आउटपुट है वो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स हो जाएगा, ठीक है? एंड इट विल बी कंसिडरिंग दैट आउटपुट एज एन क्लॉक पल्स एंड इट विल स्टार्ट गिविंग यू द आउटपुट एट द आउटपुट टर्मिनल. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस of this asynchronous and synchronous counter. Now if we check for the synchronous, then the synchronous counter is here. As you can see, the synchronous counter is having a separate clock pulse for both the inputs, common clock pulse for both the inputs. So here you can check, हमने यहाँ पे देखा है कि एक कॉमन क्लॉक पल्स है, उसे ही सभी फ्लिप फ्लॉप्स को हम फेड कर रहे हैं, ठीक है? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ माय सिंक्रोनस काउंटर, और वी कैन से द क्लॉक पल्स कंसेप्ट बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द एसिंक्रोनस एंड द सिंक्रोनस काउंटर. तो अभी आपको थोड़ा अंदाज आ गया है कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो एसिंक्रोनस मतलब क्या हुआ, फिर से रिवाइज कर लो, कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, वो क्लॉक पल्स के लिए वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए ही देंगे. फिर अगर दूसरे फ्लिप फ्लॉप को अगर क्लॉक पल्स देना है, तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वही सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स सिग्नल प्रोवाइड करेगा. So that is all for the asynchronous and synchronous counters concept. Now let's get into the timing diagram of this counters. Okay. So first, if you can check here, then we are having a clock pulse over here. यहाँ पे हमारा clock pulse signal है, और यहाँ पे जो है वो एक और clock pulse signal है. मतलब कि ये जो timing diagram है पूरा, वो मेरा asynchronous counter का है,
और ये जो टाइमिंग डायग्राम है पूरा वो मेरा सिंक्रोनस काउंटर्स का है, ठीक है। सो दिस वे इट कैन बी, यहां पे आप देख सकते हो कि क्यू ए और क्यू बी जो है उसी के लिए, ये क्यू ए और क्यू बी इस क्लॉक पल्स के मुताबिक आइदर इट विल बी इन दी राइजिंग एज, यहां पे राइजिंग एज पे देगा, या तो फॉलिंग एज पे। अभी मैंने जो कंसीडर किया है वो फॉलिंग एज के लिए कंसीडर किया है, मतलब कि जब भी हमारा एज इसका मतलब राइज हो रहा है क्लॉक का, तभी जो है ये काउंटर काउंट करेगा। और अगर हमने ऐसा डिफाइन किया है कि जब भी ये डिक्रीजिंग होगा, मतलब कि कम हो रहा है और फॉल हो रहा है, तो फॉलिंग एज पे जब हम काउंट करवाते हैं तो तभी ये काउंट करके हमें देगा। तो हम दो फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, आइदर फॉर दी राइजिंग कंडीशन एंड आइदर फॉर दी फॉलिंग कंडीशन। तो यहाँ पे हमने लिया है फॉलिंग कंडीशन, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका एज जो है वो फॉल हो रहा है, बट इट विल बी शोइंग यू दी सम डिफरेंस, यू कैन सी ओवर हियर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो पर्टिकुलरली थोड़े टाइम के बाद जो है ये काउंटर का पल्स हमें वन मिल रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे प्रोपेगेशन डिले, प्रोपेगेशन डिले, जो हमने ऑलरेडी आगे एडर के अंदर बात कर चुके हैं। तो प्रोपेगेशन डिले जो है उसकी वजह से ये जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डिफरेंस ऑफ दिस पल्सेस एंड दिस पल्सेस, ओके। अभी हम बात करते हैं कि क्यूबी, क्यूबी क्या हो रहा है कि क्यूबी अभी इसके मुताबिक नहीं चलेगा, क्यूबी अभी यहाँ की जो फॉलिंग एज है तभी ये कंसीडर होके ऑन मिलेगा, मतलब कि हमें वन मिल रहा है, ठीक है। सो दैट इज दी मेन कंसेप्ट, क्योंकि अभी हमारे लिए कौन सी क्लॉक है, क्यू ए, और ये किसके लिए है, क्यू बी के लिए, ये पल्सेस इसके लिए क्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। एंड इट विल बी गिविंग यू दी आउटपुट एट दिस फॉलिंग एज, यहां की जो फॉलिंग एज है उसके मुताबिक ये हमें आगे काउंट करके देगा। सो दिस इज माय एसिंक्रोनस काउंटर, और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है सिंक्रोनस के लिए, ठीक है। तो सिंक्रोनस के लिए तो अभी सेम ही है, क्योंकि ये एक ही कंसीडर करेगा ये क्लॉक पल्स, और यही क्लॉक पल्स की फॉलिंग एज पे हर बार ये काउंट करके हमें देगा। जब भी इसकी फॉलिंग एज आ रही है तभी ये काउंट करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब क्यू ए जो है वो यहाँ पे वन होगा, फिर क्यू बी जो है वो यहाँ पे वन होगा, तो ये वाली क्लॉक जो हमें मिल रही है इसकी फॉलिंग एज पे हमें यहाँ पे काउंट करके देगा। सो दिस वे इट कैन बी। नाउ द सिंक्रोनस एंड द एसिंक्रोनस काउंटर्स आर वाइडली डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस, एज यू कैन सी दैट अप काउंटर, डाउन काउंटर एंड द थर्ड इज अप एंड डाउन बोथ द काउंटर्स। अप काउंटर क्या करेगा, अप काउंटर जो है वो कहां से काउंट करना स्टार्ट करेगा, देन इट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग काउंट, छोटे से बड़े तक काउंट करके हमें देगा। जबकि आउटपुट है वो हमें अगर देखे आउटपुट में तो वो कैसे होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब एक से लेके आगे तक जो है वो डिजिट उसका इंक्रीज कर रहेगा, ठीक है, घटेगा नहीं इंक्रीज करेगा। तो अभी हम बात करते हैं डाउन काउंटर्स। तो डाउन काउंटर्स जनरली क्या करता है, डाउन काउंटर्स काउंट फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल, लार्ज बड़े नंबर से छोटे नंबर तक ये काउंट करेगा, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब अगर 10 है तो 9, 8, 7, 6 इस तरीके से, एंड द आउटपुट गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब कि आउटपुट हमारा घट रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो थर्ड काउंटर है दैट इज अवर अप एंड डाउन काउंटर्स, देन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन है अप और डाउन का, ठीक है। सो दिस वे इट कैन बी द अप एंड डाउन काउंटर्स फॉलोड, ओके। सो आज हमने जो यहाँ पे बात की है वो सभी सिंपल सारे जो है बेसिक कंसेप्ट जो काउंटर्स के थे उसी के ऊपर बात की है।
तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे अप डाउन एंड अप डाउन, ये तीनों काउंटर्स जो है वो सिंक्रोनस मोड में भी बनाए जा सकते हैं और एसिंक्रोनस मोड में भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज माय बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दी काउंटर्स। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट गेट दी क्लियर आइडिया अबाउट दी काउंटर्स। सो इन दी नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब फ्रॉम वन ऑफ दिस काउंटर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। I hope all of you have liked the video, and if you like the video, then do must share the video to your friends. Thank you for watching the video.